बच्चों आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायरेक्शन मस्ट बी गिवन। इसमें हमें डायरेक्शन दे रखी होगी। क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी? एक स्केलर फंक्शन गिवन होगा, एक पॉइंट दे रखा होगा एंड डायरेक्शन दे रखी होगी। ठीक है, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्टली वी विल सॉल्व ग्रेडियंट ऑफ फाई, वेयर फाई इज स्केलर फंक्शन। ठीक है बच्चों, फाई क्या है? एक स्केलर फंक्शन है और हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई सॉल्व करना होगा। जो भी फंक्शन है ग्रेडियंट जो भी फंक्शन हमें स्केलर फंक्शन दे रखा है उसका ग्रेडियंट सॉल्व करना होगा। ठीक है, देन सॉल्व द यूनिट वेक्टर, देन सॉल्व द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन डायरेक्शन। ओके बच्चों, फिर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई सॉल्व करना है, जो हमें स्केलर फंक्शन दे रखा है उसका। देन उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर सॉल्व करना होगा गिवन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमको दे रखी है उसके लिए। देन सॉल्व ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ फाई और यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई डॉट ए के। ओके, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए के। ओके, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज, इफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फैक्टर आई कैप टू जे कैप प्लस टू के कैप एट द पॉइंट वन टू जीरो, देन फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक स्केलर फंक्शन गिवन है हमको f, f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस टू जे प्लस टू के। डायरेक्शन दे रखी है, एट द पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है, देन फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और इसके लिए हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? गिवन है हमको स्केलर फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का हम ग्रेडियंट सॉल्व करेंगे। नाउ ग्रेडियंट ऑफ एफ दैट मीन्स डेल एफ। ओके, अब डेल की वैल्यू क्या है हमारी? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके बच्चों, और फंक्शन एफ की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस विल बी इक्वल टू। अब देखो बच्चों, हमें डेल की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू सॉरी एफ की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू को हमने रख दिया।
अब क्योंकि इसका हमें ग्रेडियंट सॉल्व करना है, ग्रेडियंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ आई कैप डेल बाई डेल एक्स टर्म आ जाएगी हमारी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. सिमिलरली सेकेंड टर्म जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस थर्ड टर्म के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ओके बच्चों, अब इसमें आप देखिए कि हमें क्या करना है, इस फर्स्ट वाली टर्म में एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है. नाउ एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में एक्स वाई है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, हमारे पास वाई बचेगा. सेकेंड टर्म में एक्स नहीं है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा. थर्ड टर्म में एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, हमारे पास जेड बचेगा. तो आई का कंपोनेंट वाई प्लस जेड आ जाएगा. सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म में एक्स इंटू वाई है यानी वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा तो हमारे पास एक्स बचेगा. सेकेंड टर्म में भी वाई है वाई जेड, वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा तो हमारे पास जेड बचेगा. लेकिन थर्ड टर्म में वाई हमारे पास नहीं है, जेड एक्स है तो ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा. तो एक्स प्लस जेड किसका कंपोनेंट बना, जे का कंपोनेंट बना. सिमिलरली थर्ड स्टेप में जेड के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट टर्म हमारी एक्स वाई है, जेड है ही नहीं इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा. सेकेंड टर्म में जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का वन हो जाएगा तो हमारे पास वाई बचेगा. थर्ड टर्म में जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन हो जाएगा, हमारे पास एक्स बचेगा. ओके बच्चों, और इसके साथ में के आ जाएगा तो के का कंपोनेंट क्या बना हमारा, वाई प्लस एक्स. अब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया. अब हमें क्या करना है, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू किस पॉइंट पर सॉल्व करनी है, गिवन पॉइंट 1 2 0 पॉइंट पर सॉल्व करनी है. तो इस ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू 1 2 0 पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे आंसर आया है ग्रेडियंट ऑफ एफ का उसमें हम एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 0 ये पुट कर देंगे. तो फर्स्ट टर्म में वाई और जेड है तो वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 0. आई कैप एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 0. जे कैप वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1. के कैप तो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 1 2 0 पर कितना आ गया, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. तो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया एट द पॉइंट 2 1 2 0 पर. अब हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर सॉल्व करना है. अब यूनिट वेक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो हमें डायरेक्शन दे रखी है, हमें क्या वेक्टर दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप. अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, यूनिट वेक्टर ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है बच्चों, अब वेक्टर ए हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप. तो वो हमने यहाँ पर रख लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4. तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यूनिट वेक्टर की, 4 4 8 1 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, 1/3 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम डी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू सॉरी डॉट ए कैप. अब ग्रेडियंट ऑफ एफ और यूनिट वेक्टर ए कैप का दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या आया था, एट द पॉइंट 1 2 0 2 आई प्लस जे प्लस 3 के.
अब ये वैल्यू हम रख दें ग्रेडियंट ऑफ एफ की और यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आया था 2i प्लस जे प्लस 3k। ओके बच्चों, ये तो ग्रेडियंट था। अब ए कैप की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3 आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम पहले ले लेंगे। अब जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, i.i1 हो जाएगा, j.j1 हो जाएगा, k.k1 हो जाएगा। तो i.i ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 2, j.j ये भी 2 आ जाएगा और k.k ये 6 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 10, 2 + 2 + 6 कितना हो गया, 10। तो आंसर क्या आया हमारा, 10/3। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों।